क्या आपको पता है कि भारत का वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसको भाषा को आधार करके बनाया गया था? क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किचन भारत में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगह कहां पर है? क्या आपको पता है कि सिमलपाल नेशनल पार्क में ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है? क्या आपको ये भी पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था, उन्होंने कभी भी कलिंग पर हमला करने का साहस क्यों नहीं किया था? आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 मजेदार फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भारत की एक ऐसी राज्य के बारे में है जिसको मेनस्ट्रीम मीडिया तभी कवर करती है जब वहां पर बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन आ जाता है या फिर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाता है। लेकिन दूसरे तरफ इस राज्य के इतिहास को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही पुरानी और उन्नत सभ्यता देखने को मिलेगा। साथ ही इसकी प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ पर बार बार आने के लिए मजबूर भी कर सकता है। जी हाँ, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ और आज मैं अपने राज्य से जुड़े हुए 10 मजेदार और जानकारी से भरे हुए फैक्ट आप सभी को बताने जा रहा हूँ। फैक्ट नंबर 1, भारत के इतिहास में उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था जिसको भाषा को आधार करके बनाया गया था। उड़ीसा में भाषा की जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1895 से शुरू हो गया था और इसे उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा था और फाइनली भारत को आजादी मिलने से पहले ही यानी कि 1936 में ही उड़ीसा को भारत का पहला राज्य बना दिया गया जिसको भाषा को आधार करके बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2, उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हर साल धनु यात्रा को आयोजित किया जाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और कंस मामा की कहानी को नाटक के रूप में दर्शाया जाता है। इस यात्रा को करीब 8 किलोमीटर की रेडियस में आयोजित किया जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहा जाता है और इस वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दिया गया है। इस फेस्टिवल में कोई भी प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं होता है और इस फेस्टिवल के दौरान कंस वहां पर किसी भी इंसान को दंड दे सकते हैं। एक बार तो उड़ीसा के पूर्व चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय बिजू पटनायक जी को भी कंस राजा को फाइन देना पड़ा था। फैक्ट नंबर 3, उड़ीसा का जो परंपरागत नृत्य है उसको ओडिसी कहा जाता है और ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस नृत्य को सीखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये नृत्य सिर्फ उड़ीसा के लिए गर्व की बात नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष की एक पुरानी सभ्यता का प्रतीक है। इस नृत्य कला के बारे में हमारी पुरानी संस्कृत स्क्रिप्चर्स नाट्य शास्त्र में बताया गया है और इसको भारत का सबसे पुरानी नृत्य कला में से एक माना जाता है। इसको मुगल रूल के दौरान या फिर ब्रिटिश रूल के दौरान सप्रेस करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन स्वाधीनता मिलने के बाद इसको हमने दोबारा रिवाइव करने में कामयाबी हासिल कर लिया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ताजमहल के बनने से काफी पहले से ही कोणार्क टेम्पल को बना दिया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समंदर के अंदर बनाया गया था। अगर आप कभी भी कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बारीक खुदाई करके पत्थरों में अद्भुत कलाकारी का प्रदर्शन किया गया था, जो कि उस वक्त के उड़िया आर्किटेक्चर के बारे में सोचने में मजबूर करता है। इसके बारे में इतने ज्यादा अद्भुत और अनसुनी फैक्ट है जिसको लेके एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। वैसे अभी आपको जो कोणार्क टेम्पल देखने को मिलता है वो सिर्फ इसका आधा हिस्सा है और जो मेन मंदिर था वो टूट चुका है। इतिहास में कई बार मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा इसको लूटा गया था और इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी और इसी दौरान शायद वो मंदिर टूट गया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा विलेज उड़ीसा में है? इस गांव का नाम भुवन है और ये ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो कि लगभग 3 बिलियन साल पुराने हैं और अगर पृथ्वी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उम्र करीब 4.5 बिलियन ईयर है। फैक्ट नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जीत हासिल कर लिया था, उन्होंने 60 सालों तक कलिंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी, जबकि कलिंग यानी कि एंसेंट उड़ीसा मगध की राजधानी से ज्यादा दूर नहीं था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की पोते राजा अशोक ने कलिंग पर हमला किया था। इसमें मगध के पास लगभग 4 से 6 लाख सैनिक थे जबकि कलिंग के पास 60,000 सैनिक थे। जाहिर सी बात थी कि कलिंग की हार निश्चित थी, पर फिर भी मगध के 1 लाख के आसपास सैनिक मारे गए थे। कलिंग के सैनिकों के अलावा बच्चे, बूढ़े और औरतें भी उस जंग में शामिल हुए थे और ये इतनी भयंकर लड़ाई थी जिसने क्रूर राजा अशोक के मन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर उसके प्रचार और प्रसार करने का काम किया था। अगर आप कभी भी उड़ीसा आते हैं तो आपको धौलीगिरी देखने को मिलेगा। ठीक इसी के किनारे एक नदी है जिसका नाम दया नदी है और इसी नदी के किनारे वो जंग लड़ी गई थी और ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त उस नदी का पानी खून की वजह से लाल रंग का हो गया था। फैक्ट नंबर 8, उड़ीसा में अभी 62 अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं और उनमें से हर एक की कल्चरल ट्रेडिशन एक दूसरे से अलग होती है। फैक्ट नंबर 9,
आप सब सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर दुनिया की सभी प्रकार की ऑर्चिड पाए जाते हैं और पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऑर्चिड की सभी वैरायटी पाई जाती हो। फैक्ट नंबर 10। अब उड़ीसा की फैक्ट के बारे में बात चल रही है तो जगन्नाथ धाम पुरी के बिना ये वीडियो पूरा नहीं हो सकता है। इसको चार धामों में से एक कहा जाता है और हर एक हिंदू अपने जीवन काल के दौरान यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहता है। यहाँ पर हर रोज हजारों लाखों लोग आते हैं और जगन्नाथ टेम्पल का जो किचन है उसको दुनिया का सबसे बड़ा किचन कहा जाता है। यहाँ पर 200 चूल्हे और करीब 400 कुक यहाँ पर रोज खाना बनाते हैं। यहाँ पर खाना बनाते वक्त 7 मटकों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और सबसे पहले ऊपर वाले मटके का खाना तैयार होता है और सबसे अंत में नीचे वाले मटके का खाना तैयार होता है जो कि चूल्हे के ऊपर बैठा होता है। औसतन यहाँ पर हर रोज 10,000 लोग खाना खाते हैं, लेकिन मंदिर में जो खाना बनाया जाता है उसकी क्वांटिटी साल भर सेम रहती है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर खाना कभी भी वेस्ट नहीं होता है और उसी खाने को कुछ हजार लोगों को परोसा जा सकता है और 20 लाख लोगों को भी परोसा जा सकता है। दोस्तों, ये थी उड़ीसा के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूं